पत्रकार और उसके परिवार पर जानी हमला, पुलिस ने 9 हमलावरों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। यूपी के रामपुर में पत्रकारों पर हमला हो रहा है, दबंग अपनी दबंगई के चलते खुलेआम पत्रकार और उसके परिवार पर हमला कर रहे हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के हमले को लेकर सिर्फ बयानबाजी ही की है, पर अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। ऐसा ही मामला रामपुर से सामने आया है, जहां पत्रकार सहित उसके पूरे परिवार पर जानी हमला किया गया। इस हमले में पत्रकार का परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मन में क्या मामला हुआ, पूरी बात बताओ। सर, मैं एक अखबार का पत्रकार हूँ, और मैं जैसे अपने खेत से सुबह सुबह घूमने के लिए गया, तो लोग जैसे पत्रकारिता के नाम पे नफरत करते, उन्होंने 15-20 लोगों ने घेर के मुझे मारा वहाँ पे। और फिर मैंने जान पा के जैसे वहाँ से भागा, तो वहाँ मेरे पीछे आए 15-20 लोगों, मेरे घर में आके मेरे बच्चों को और सारे लोगों को मारा, और धमकी देकर चले गए कि हम तुम्हें जान से मारेंगे, हम इस गाँव में तुम्हें ले जाने देंगे। कितने लोगों को चोटें लगी? लगभग चोटें लगी 5 लोग तो हम अस्पताल में एडमिट हैं, और बाकी घर पे हैं बच्चे। पूरे परिवार को मारा? हाँ, पूरे परिवार को। वो तो बच्चे सुबह सो रहे थे। कहाँ कहाँ चोट आपकी कहाँ चोट लगी? अब मेरे ही हाथ में लगी, मेरे सिर में लगी, आँख में लगी। वो तो सर पे डंडे बहुत मारे हैं उन्होंने, और कमर पे और टांगों पे डंडों से पीटा है। हाँ, डंडों से पीटा, और तमंचे लेके पीछे से आ रहे थे, और धारदार हथियार गलत से तबल तलवारें लेके आ रहे थे, जो घर में हमला करा है जिनसे, जो हमने। कब कितने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ? मैं लगभग 5 साल से कर रही हूँ। वहीं पुलिस ने 9 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू करा दी है। पीड़ित पत्रकार फरमान अली शाह टाइम्स न्यूज़ प्लस को गिरफ्तार से संवाददाता है।